नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। राजीव कपूर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ट्रस्टलाइन सिक्योरिटीज के, कमोडिटी हेड भी हैं वहाँ पे। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में जिस तरह का उतार चढ़ाव कल देखने को मिला, 5% तक की गिरावट दिखी, $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव फिसल गया। जनवरी 2022 का यानी इस साल के सबसे निचले स्तरों के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उस वहां से वापस से एक रिकवरी आई, क्योंकि सऊदी के एनर्जी मिनिस्ट्री का बयान, मिनिस्टर का बयान आया कि हम उत्पादन बढ़ाने पर नहीं कटौती पर विचार कर रहे हैं। इस खबर से फिर से वापस से रिबाउंड देखने को मिला। राजीव जी, क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है, और ऐसे वॉलेटाइल माहौल में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और ऑप्शंस में कोई रणनीति है तो वो भी बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, क्रूड में जो गिरावट है उसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो डिमांड जो है विश्व स्तर पे थोड़ी डिमांड कम देखने को मिल रही है, चाइना की तरफ से डिमांड कम है, प्लस जिस तरह से यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं उससे भी कॉर्निस पे दबाव है। बट कल जिस तरह से सऊदी का एक कमेंट आया, उसके बाद हमने क्रूड में एक अच्छा उछाल देखा, तो इससे एक साफ समझ में आती है बात कि अल्टीमेटली जो डिमांड सप्लाई है उसको बैलेंस करने के लिए ओपेक प्लस देश पूरी तरह से तैयार है। मतलब वो कटौती कभी भी कर सकते हैं और किसी स्तर तक भी जा सकते हैं, जिससे कि कच्चे तेल के दाम एक स्तर के बहुत ज़्यादा नीचे तक ना टूटें। तो मुझे लगता है कि कच्चा तेल नीचे में, मतलब बॉटम अगर मैं लेके चलूँ तो 6,6200 शायद एक अच्छे स्तर होंगे, और इंटरनेशनली अगर 75 से 75 डॉलर हम पकड़ के चलें तो वो भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैं नाइमेक्स की बात कर रहा हूँ, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि दाम आज थोड़ा और उछाल दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कच्चा तेल काफ़ी ओवरसोल्ड में भी चला गया था कल, और उसके बाद एक हमने एक अच्छी रिकवरी देखी। जैसे कमेंट आया तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई, प्लस कुछ बाइंग पोजीशन भी बिल्ड हुई। तो मुझे लगता है कि जो कल का उछाल जो रात के सत्र का है वो थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है, बट थोड़ी करेक्शन में बाजार जरूर देखने को मिल सकता है। हो सकता है 20-25-30 पॉइंट के करेक्शन देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 6700-6800 तक जा सकती है, और अगर आज के हाई के स्तर के अगर ऊपर बाजार चलता है टेक्निकली, मतलब 6620-6625 के ऊपर चलता है, तो एक फास्ट मूवमेंट भी अपसाइड में हमें देखने को मिल सकती है। तो हमारी एडवाइस रहेगी कि 6580 के आसपास आए तो खरीद के चलें, स्टॉप लॉस 6490 का मेंटेन करें, 6700 का टारगेट रखें। जहाँ तक ऑप्शन की बात है, ऑप्शन में 6600 की कॉल है जिसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 346 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है ये ऑप्शन, तो रफली 335 के आसपास आए तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ₹310 का मेंटेन कर सकते हैं, और 380 से 390 के टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपका है। जिगर, आप क्या व्यू दे रहे हैं क्रूड में, ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी, यही एक मैटर है। क्रूड एक इकोनॉमिकल कमोडिटी भी है, पॉलिटिकल कमोडिटी भी है, तो जब भी प्राइसेस में शार्प फॉल आएगा, ओपेक है या सऊदी अरेबिया है, वहां से कोई स्टेटमेंट्स आ जाएंगे सपोर्टिव। जब भी कोई अग्रेसिवली प्राइसेस में रैली होगी, फिर भी अगर चाइना है, इंडिया है, यूएस है, वहां से स्टेटमेंट्स आ जाएंगे टू प्रेशराइज दी ओपेक। कल के माहौल में जो हुआ, एक रूमर मार्केट में निकली, उसके बाद स्टेटमेंट्स आए, क्लैरिटी आई, प्राइसेस वापस से पुल बैक किए। आई थिंक अमिड ऑल दी रिसर्जेंस ऑफ कोविड इन चाइना, यस थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर है कि आगे जाके प्राइसेस में डिमांड के फियर भी है मार्केट में, अगर कोविड चाइना में अग्रेसिवली बढ़ रहा है, लॉकडाउन की भी बातें हो रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो कल का एक करेक्शन था मार्केट में, मुझे लग रहा है वो खत्म हो चुका है। ओवरसोल्ड में काफी गया था, $75 के आसपास WTI भी गया था, वी हैव सीन अ शार्प रिकवरी इन प्राइसेस। मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा हल्का डिप आ सकता है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग इंट्राडे टुडे, सो मुझे थोड़ा बहुत हल्का सा प्राइसेस में करेक्शन आएगा, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं। डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6500 इज द स्टॉप लॉस फॉर इंट्राडे और फॉर टुडे, टुमारो ऑल्सो 6700 इज टारगेट। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर जिगर की। दिव्या, अब आप अपना नजरिया बताया, क्या सलाह दे रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी, क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो काफी वॉलेटाइल हो गया अभी पिछले दिनों से, स्पेकुलेशन भी काफी बढ़ गया प्राइसेस के अंदर। यस्टरडे का जो मूव था काफी एक्सट्रीम था,
मेरे हिसाब से जो मेन जो कंसर्न है क्रूड ऑयल का वो चाइना है। चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है, तो जब तक वहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होता तब तक मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल तो थोड़ा सा प्रेशर में ही रहेगा। तो मेरा जो व्यू सेलोन राइस का ही रहेगा। हम लोग ऑप्शन क्या प्ले कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो 6,600 का जो पुट ऑप्शन है वो हम बाई करके चले, 310 पे बाई करें, स्टॉप लॉस हम 280 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 350 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं, चांदी की सबसे पहले। जिगर, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है, क्योंकि चांदी में भी आज खरीदारी दिख रही है, वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी है, जिस तरह से मुनाफा वसूली हावी हो गई थी ऊपरी स्तरों पर, अब आज बाइंग है 500 रुपये के आसपास, ऊपर में भाव 61,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर, किस तरह से ट्रेड करें? चांदी में विश्व मोहन मुझे लग रहा है आज थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। सी, एक हफ्ते पहले चांदी का लेवल था अराउंड 62,900, वहां से हमने शार्प सेल ऑफ देखा हुआ है 60,800 तक का भी। डॉलर इंडेक्स जो 105 के आसपास स्टेबल हुआ था वहां से हमने एक रैली देखी है टू द करंट लेवल्स ऑफ 107.6। आने वाले दिनों में टुमारो वी हैव फेड एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, और पता चलेगा कि आगे जाकर दिसंबर में फेड का रवैया क्या हो सकता है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 बेसिस पॉइंट हाइक इन द इंटरेस्ट रेट्स। चांदी में मुझे लग रहा है जैसा कि यहाँ आजकल बात चल रही है कि चाइना में जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन डेवलप हो रही है, डिमांड कंसर्न्स बढ़ सकते हैं, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चांदी क्यों ना हो। सो चांदी में हमारा सेल कॉल है यहाँ पे दिसंबर, वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 61,100, 61,300 का स्टॉप लॉस लेके चले, 60,700 का टारगेट लेके यहाँ हम चल सकते हैं। पर आपका व्यू क्या है? विश्वमोहन जी, मुझसे पूछा आपने? जी जी विश्वमोहन जी, गैप अप ओपनिंग हुआ है आज चांदी में, और कल अगर मैं इंट्राडे में बिल्कुल तकनीकी तौर पे बात करूंगा टेक्निकल्स पर, तो चांदी ने करीबन 60,200 के आसपास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप किया है। मुझे लगता है 61,700 तक चांदी में तेजी आ सकती है, 61,100 करंट रेट पे खरीद सकते हैं एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 60,700 रुपये का, और 61,700 का इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। दिव्या, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर? गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला 53,000 के लेवल से लास्ट 3 दिन में। मेन फैक्टर जो है वो डॉलर इंडेक्स है, उसमें जो हमें रिकवरी देखने मिली 105 से 108 से, तो ये साल हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर वो पूरा डॉलर इंडेक्स पे ही चल रहा है, तो आगे भी मुझे लगता है चलता ही रहेगा और उसके ऊपर ही मोमेंटम बना रहेगा। और साथ ही कल PMI का डेटा है और फेड की भी मीट है, तो उससे हमें आइडिया आया कि जो पॉलिसी मीट होने वाली है दिसंबर महीने में फेड की, तो उसमें हमें कोई सरप्राइज मूव देखने ना मिले, तो मेरे हिसाब से डॉलर में जब तक हमें कोई वीकनेस ना देखने मिला तब तक सेल ऑन राइज ही करते रहना चाहिए। गोल्ड हम 52,500 का लेवल है वहाँ पे हम बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 52,500 का रखे, नीचे में 52,300 टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिल्वर की मैं बात करूँ तो गोल्ड के कंपेरिजन में सिल्वर में ज़्यादा सेल ऑफ देखने मिला, एक तरफ गोल्ड में भी करेक्शन आ रहा है साथ में बेस मेटल में भी करेक्शन आ रहा है, तो उसका सीधा असर हमें सिल्वर पे देखने मिला। ओवरऑल सिल्वर का भी व्यू सेल ऑन राइस का ही रहेगा, 61,400 का एक अच्छा लेवल है वहाँ पे हम सेल करें, स्टॉप लॉस हम 61,700 का रखें और नीचे में टारगेट हम 61,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस एक और काफी वॉलेटाइल काउंटर, कल तेजी दिखी थी, आज तेज मुनाफा वसूली है। जिगर, क्या सलाह होगी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है जैसा कि आपने बताया विश्वमोहन, ऑप्शन में इसमें काम करना थोड़ा और एडवाइजेबल रहेगा। ऑप्शन 530 के पुट ऑप्शन 23 नवंबर की एक्सपायरी के जो अगर 13 रुपीज के आसपास मिलता है वन शुड गो लॉन्ग। यहाँ व्यू मंदी का है तो मैं यहाँ पे पुट बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा, 13 रुपीज के आसपास वन शुड गो लॉन्ग, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज, टारगेट वुड बी 30। फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है विश्वमोहन के हो सकता है आगे 520-525 के लेवल्स मार्केट छू सकता है, सो लेट्स टेक पोजिशन इन ऑप्शंस। ओके, यानी एक लिक्विड काउंटर है, 530 के पीई के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दिव्या, छोटा जवाब दीजिएगा, नेचुरल गैस पर आपकी कॉल क्या है? 520 कॉल ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं 20 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 16 का रखें, टारगेट हम ऊपर में 25 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपने कॉल ऑप्शंस खरीदवा दिया, ये पुट खरीदवा रहे, क्या करना चाहिए अभी? जो कल का जो मूव आया था नेचुरल गैस का, मेजरली जो वेदर फोरकास्ट है दिसंबर महीने में थोड़ा सा हार्श रहेगा, तो उसके से एक अपमूव देखने मिला था, तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने कॉल ऑप्शन दिया हुआ है वो बाय ऑन डिप्स का दे के रखा हुआ है, तो नीचे में अगर करेक्शन आता है तो वो 20 का भाव आएगा, तो वहाँ पे बाय करके चले, तो जिसको सेल करना वो करंट लेवल पे सेल भी कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं नीचे के लेवल। ओके, यानी करंट लेवल पे
और नीचे की तरफ जब गिर जाए वहां पर बाई की सलाह है। राजीव जी आप बता दीजिए क्या है, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में आज? मेरा भी जिगर से काफी मैच करता है। आज मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा दबाव में रहना चाहिए, और जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं कल उसकी एक्सपायरी भी है, तो पुट ऑप्शन मेरी राय में भी 530 का पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है। अराउंड अभी 14 रुपये चल रहा है, तो 11, 11.5 या 12 के आसपास मिले तो खरीद सकते हैं। 7 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और 21 से 22 रुपये का टारगेट रखें। ओके, यानी दो एक्सपर्ट्स को लगता है कि पुट यहाँ पर खरीद कर जाना चाहिए, हालांकि इनकी भी राय बहुत फर्क नहीं है दिव्या की। उनको लगता है कि नीचे की तरफ आप कॉल खरीदे जब यहाँ से गिरावट और गहरा है उसके बाद। इस मेटल्स में आपकी टॉपिक आज क्या है, फंडामेंटल्स की चर्चा नहीं करें प्लीज, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। विश्वमोहन जी कॉपर मुझे लगता है 670 के आसपास बेच के चलना चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 675 का, टारगेट 660। ओके दिव्या आपकी टॉपिक मेटल में कॉपर हम बाई करें 661 पे, स्टॉप लॉस हम 658 का रखें और टारगेट हम 665 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर फिर से एक उल्टी कॉल आ गई। सर जिगर आप बताइए कॉपर में क्या करना चाहिए, एक सेल और एक बाई कॉल आ रही है। सी कॉपर में पिछले 6-7 दिनों से लगातार सेल ऑफ आया हुआ है, हमने प्राइसेस देखे थे कुछ 700-710 के आसपास, वहां से वन वे प्रेशर आया है, 6-7 दिनों में सेलिंग प्रेशर है। पॉसिबल है मार्केट में टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, बट व्हाई प्राइसेस हैव फॉलन, दैट्स बिकॉज ऑफ द fear of lockdown in China, because of that there may be some pullback in the demand. The copper ki demand ko leke yahan bahut sare chintaye jatayi ja rahi hai, isliye prices mein sell off aur aa sakta hai. Hamara to sell call hai yahan pe, November contract one should go short around 665, 668 ka stop loss leke chale and 659, 655 ke targets pe dekhne ko mil sakta hai. दो कॉल सेल कॉल है, हालांकि ऊपर के लेवल पे सेल है और नीचे के लेवल पे बाइंग दिव्या सलाह दे रहे हैं। एक रेंज है, रेंज का फायदा उठाए, या तो ऊपर की तरफ बेचे या नीचे की तरफ खरीदारी करें। चलिए अब बढ़ते हैं ग्वार की तरफ, क्योंकि ग्वार में आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही है, 5% तक भाव टूट चुके हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट। सर उत्पादन अनुमान को लेकर एक बड़ा रेंज आ गया है, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं, क्या लग रहा है ग्वार में ये क्या हो रहा है, जिस तरह की उठापटक चल रही है, एक लंबी तेजी के बाद अब लोअर सर्किट लग रहा है, क्या यहां से और गिरावट की आशंका लग रही है और क्या सतर्क रहने का समय है ग्वार के ट्रेडर्स को? जी देखिए विश्वमोहन जी, ग्वार के ट्रेड में बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए और छोटा ट्रेड करना चाहिए, और जो बड़ा घाटा मुनाफा नहीं देख सकते उनको ट्रेड से दूरी रखनी चाहिए। जिस तरह से अभी 2 दिन में बिहेव किया है ग्वार ने, कल आप देखिए ऊपर में ग्वार बिका 6390 रुपए सट्टे में, और उसके बाद में ये बिक गया 6101 रुपए, यानी इतनी बड़ी तेजी मंदी ग्वार में इन दिनों में बहुत कम आई है। अभी 2 दिन से इसी तरह का व्यवहार कर रहा है, आज भी उसी तरह से ग्वार घटा है, तो ये दोनों तरफ की उछल कूद इसके अंदर जारी रहेगी। इसे हम फसल डिमांड सप्लाई से न जोड़कर हमें ये देखना चाहिए कि सट्टे के अंदर बाइंग का और सेलिंग का जो भाव बनता है ये उसी तरह से भाव बनता है, उसी तरह से बनता जा रहा है जी। हाजिर में जो भाव चल रहे हैं, क्या वायदा में जो भाव ग्वार का चल रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है क्या? देखिए हाजिर और वायदा के भाव लगभग समानांतर चल रहे हैं, कभी कभी 1-2 दिन का फर्क आ जाता है, पर चूंकि हाजिर है वो वायदा का वो फॉलो कर रहा है, तो जैसे वायदा के भाव घटते हैं वैसे ही हाजिर के भाव घट जाते हैं, और जैसे ही हाजिर के वायदा के भाव बढ़ते हैं हाजिर के भाव भी बढ़ जाते हैं। तो आज जो ये जो आज मंदी देखने को मिली है, इसमें 2 तरह की बातें, एक तो प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है सट्टे की, और दूसरा एक राजस्थान सरकार का जो घूम रहा है कि 1,42,00,000 क्विंटल की फसल राजस्थान सरकार बता रही है, हालांकि हम व्यापारी उससे सहमत नहीं है, हमारा अनुमान तो वही 1,00,00,000 बोरी का ही है, उससे ज्यादा का नहीं है। तो सरकारी अनुमानों के आधार पर यदि जाएं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो बाजार पे आता ही है इसका, और वही बाजार आज दिख रहा है। ओके सर, बहुत सारे कारोबारी तो काफी नीचे के भी उत्पादन बता रहे हैं, क्या इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है सर, 60-1,00,000 बोरी, मतलब एक लंबा गैप हो रहा है? देखिए इसमें फसल देखने के नजरिए पर है ये सरकारी आंकड़ों से यदि देखें तो उसका मिलान ही नहीं होता हमारे साथ में, व्यापारियों के साथ में। और क्या जैसे हरियाणा है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, ये फसल के मामले में बिल्कुल कमजोर रहे,
तो उस तरफ के एरिया के लोगों का अनुमान है फसल का कम आएगा। हम जो बरानी एरिया को देखते हैं, बरानी एरिया को ज्यादा ट्रैक करते हैं, उसके अनुसार फसल का अनुमान ज्यादा आता है। तो इसी तरह से अलग अलग जो देखने का नजरिया है उसी के कारण ही ये अलग अलग फसल के अनुमान आ रहे हैं। दूसरा एक कारण और भी है, लोग इस व्यापार के अंदर जब बाइस्ड हो जाते हैं तो अलग अलग तरह के अनुमान देने लगते हैं। जैसे ही तेजी आएगी फसल को कम कर देंगे, जैसे ही मंदी आएगी फसल को बढ़ा देंगे। तो ये सारे कारण इसके अंदर चलते रहते हैं। ओके जी विष्णुमोहन जी। ओके, यानी देखते हैं कुछ हफ्ते में तो स्थिति साफ हो जाएगी किस तरह के उत्पादन के नंबर रहते हैं, लेकिन जिस तरह की तेजी वन वे रैली आई थी तो डेफिनेटली ऊपरी स्तरों पर तो मुनाफा वसूली बनती भी है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया राजीव जी आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।